अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हम ये फार्म हाउस पर आए हुए हैं, ये इसका एंट्रेंस है और ये यहाँ से पूरा फार्म हाउस है। ग्रीन गार्डन है, झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, सीसो है बच्चों के लिए, फिसल पंडी है, ये है इसको पता नहीं क्या कहते हैं, और ये ग्रीन ग्रास एरिया है पूरा, और सामने रूम्स हैं, स्विमिंग पूल है, ये क्रिकेट खेलने के लिए एक पिच भी बनी हुई है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तख्त लगे हुए हैं बैठने के लिए, खाना वाना खाने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, ये दिन में नाश्ता वाश्ता करने के लिए, खाना वाना खाने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सैन उन्होंने बनाया हुआ है, लकड़ी का हर टाइप का। ये बारबेक्यू सेटअप के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। ये एक बैठने की जगह है, ये एक रूम है यहाँ पे, और ये आ गया पूल एरिया। अबे उसमें तो हमने पानी कम करवाने का बोला तो पानी कम नहीं कर रहा, हमारे बच्चे यूं तैर रहे थे। पापा पकड़ो, पापा पकड़ो। ये पूल है यहाँ का, सीढ़ी भी लगी हुई है। अभी अभी सब आए हैं तो सब मुआयना कर रहे हैं। आई थिंक ये 6-8 फीट होगा यहाँ पे, उधर जो है कम है। ये अंग्रेजों का टप है बैठने का। गाड़ियां पार्क करी हैं इधर हमने, खिड़की से अंदर घुस जाते हैं हम। बेडरूम, बिग वॉशरूम, कबर्ड्स, डबल बेड। गर्मी बहुत है, एसी नहीं लगा हुआ यहाँ पे। किचन, फ्रीजर, डिस्पेंसर, सोफे लगे हुए, दूसरा रूम बैठक के लिए विद अटैच बाथ, स्मॉल इंडोर गेम है यहाँ पर, एक गेम बंद किया हुआ इन्होंने, बिलियर्ड है, पट्टी है और कैरम डब्बू यानी है, सॉरी गेट जो है खुला हुआ है। दोबारा पूल साइड पे आ गए हम। फैन लगे हुए, बैक साइड पे भी वॉशरूम दिए हुए, और ये दोबारा गेट की तरफ जाने का रास्ता। वापस चलते हैं उस कमरे में जहाँ से हम आए थे। एंजॉय कर रहे हैं अभी। सेकेंड बेडरूम अलॉन्ग विद एसी,
डबल बेड, और ये बन गया हुआ वॉशरूम। और ये हम वापस बाहर आ गए इससे।